Okay, so let's solve this problem. A boy throws a ball up into the air. Initial velocity of the ball was 6 meter per second. So कोई एक पर्सन है, उसने एक बॉल ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर जब फेंका तब स्टार्टिंग में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है. नाउ सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वी मस्ट से 6 मीटर पर सेकंड यू. अब उस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑब्वियसली जब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा तो हम लोग निगेटिव लेते हैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी विच इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके वजह से यानी फोर्स डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो धीरे धीरे वो बॉल की मूव होने की स्पीड कम होगी. बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन अभी 6 मीटर पर सेकंड से स्लो 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 होते जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और उसके बाद ड्यू टू द फोर्स विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन, यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने की वजह से, फिर बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगा. तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट्स कॉल दैट एच. एस इज इक्वल टू मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है, इन मीटर्स, क्योंकि हम लोग मीटर यानी MKS सिस्टम यूज कर रहे हैं. अब जब ये बॉल यहाँ पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, जीरो. उसके बाद ही वो डाउनवर्ड जाना शुरू किया तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड. सो दीज आर दी थिंग्स वी नो, वी नो यू, वी नो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वी नो एक्सेलरेशन एंड वी नो डिस्टेंस, सॉरी वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल. नाउ एक काम करते हैं, सिचुएशन तो समझ में आ गई, हम लोग पूरा फॉर्मूला हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at square. Can we use this formula to find distance traveled s? S निकालने के लिए हमारे पास u है, हमारे पास a है, t मालूम नहीं है. फिर t मालूम करने के लिए हम लोग कौन सा formula यूज कर सकते हैं, v is equal to u plus at. अब हमारे पास v है, u है, a है, उससे क्या निकल सकता है, t. फिर t की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करो तो आंसर आ जाएगा. सो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट. बट मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम लोग दूसरा काइनेटिक, और एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. अब हमारे पास वी मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, एस अननोन है तो निकल जाएगा, करेक्ट ना. सिर्फ एक अननोन रहा तो वो निकल जाता है. तो इंस्टेड ऑफ, एक्चुअली ध्यान में रखो, फिर से मैं बता दूँ, ये दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन यूज करके भी आंसर आ सकता है. पहले सेकंड जो इक्वेशन है उससे टी निकालो और फिर वो टी यूज करके एस निकालो, या फिर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके हिसाब से वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस. अभी देखा उसके हिसाब से फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड एस हमें फाइंड आउट करना है. तो एस के जगह पर मैं एच लिख देता हूं, हाइट. सो दिस इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 0. नाउ 6 का स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एच. सो एच इंटू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो एच इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, मीटर गेट्स कैंसल्ड. सो 36 बाई 20 इट इज 1.8 मीटर्स. सो द मैक्सिमम हाइट, राइट, जो बॉल पहुंच पाता है विच इज 1.8 मीटर, ये हमारा पहला आंसर हो गया. सेकंड है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज द बॉयज हैंड. बॉल ऊपर पहुंचा, राइट, यहां से शुरू किया
यहाँ पर वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पहुँचा 0 मीटर पर सेकंड, फिर से नीचे आएगा, तो नीचे यहाँ तक पहुँचते वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर से 6 मीटर पर सेकंड होगी। ये हम लोग कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कुछ भी इंटरकन्वर्जन है, क्योंकि दूसरा कुछ एनर्जी कॉन्जर्व होती है और दूसरा कोई एनर्जी प्ले में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी किसी और तरीके से निकालना चाहे, तो उसके लिए हमारे पास और तरीका जो है वो फिर से यही फॉर्मूला फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम लोगों के पास क्या क्या मालूम है, अगर हम सेकंड, ये ए पार्ट हो गया हमारा आंसर। अब बी पार्ट सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ हमें 6 मीटर पर सेकंड ही आंसर रहेगा, ये पहले से ही अब मालूम है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ध्यान में रखो, अगर आप कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस इक्वेशन को ध्यान में रखो, तो यानी डिस्प्लेसमेंट पे यू और वी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से क्लियर क्लियर चीज़ ध्यान में आ रही होगी आपको कि सपोज यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त दोनों वक्त इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम ही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। मतलब अगर यहाँ पर 2 मीटर पर ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड था, तो नीचे आते वक्त भी वहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही नीचे आएगा। नाउ ये थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान में आ भी गया होगा। अब हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करते हैं फिर से न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब जब बॉल नीचे जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल हमें निकालना है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज 1.8 मीटर एंड एक्सेलरेशन जी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पार्टिकल मूव भी डाउनवर्ड हो रहा है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, यू का वैल्यू 0 प्लस, अब मैं पूरे यूनिट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, मीटर पर सेकंड, और फिर एच हमारा 1.8 मीटर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये मल्टीप्लीकेशन 2 × 10 × 1.8 इज 36 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सो वी अगर हम निकालते हैं तो 6 मीटर पर सेकंड ही आएगा। बस फर्क कितना है, ऊपर फेंकते वक्त वो अपवर्ड था, अभी डाउनवर्ड रहेगा, करेक्ट। सो बी का आंसर 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, एंड द टाइम फॉर बॉल विच टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा और फिर नीचे आने के लिए जो टाइम लगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पहले जो है वो 6 था और फाइनल भी जो है वो 0 था मीटर पर सेकंड, वापस आते वक्त उल्टा हो जाता है, 0 बिकम्स इनिशियल एंड 6 मीटर पर सेकंड विल बिकम फाइनल वेलोसिटी। तो जाने के लिए और वापस आने के लिए सेम टाइम लगेगा, तो पहले मैं टी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वी हैव वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर अपवर्ड मोशन। फॉर अपवर्ड मोशन वी इज 0, यू इज 6 मीटर पर सेकंड प्लस ए है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इंटू टी। सो वी हैव टी इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। सो टी हो गया 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, मीटर कैंसल, एक सेकंड कैंसल, सो एस ऊपर आके 0.6 सेकंड्स। लेकिन ये टाइम किसका है, सिर्फ ऊपर जाने का। तो टोटल टाइम इन एयर जो हमारा निकला वो निकल गया 2 × 0.6 सेकंड्स, विच इज 1.2 सेकंड्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द टाइम ऑफ द बॉल इन एयर सिंपली निकला 1.2 सेकंड्स। सो आई होप ये तीनों आंसर आपको ध्यान में आ गए हैं। थैंक यू।